स्मार्टफोन इस्तेमाल मत करो। क्या बात करते हैं यार। आजकल की जो हमारी लाइफ है ये बहुत ज्यादा स्मार्टफोन एडिक्ट हो चुकी है। आजकल हम लोग इंस्टाग्राम में बहुत टाइम लगाते हैं, यूट्यूब में बहुत टाइम लगाते हैं और हमारे फोन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, हम आजकल टैबलेट भी बहुत यूज करते हैं और टैबलेट का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के लिए होता है। हम पढ़ने के लिए भी यूज करते हैं, हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज करते हैं, मूवीज के लिए भी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमारा जो स्क्रीन टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो फोन्स हैं आजकल स्क्रीन टाइमिंग का भी ऑप्शन लेके आ रहे हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दें इस एक्टिविटी को, यूट्यूब में 15 मिनट लगा दो या फिर इंस्टाग्राम में 20 मिनट लगा दो, कि इससे ज्यादा हमको एक टाइम पे नहीं देखना है। सेम वैसे ही ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ टेलीफोन से, एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, इसके कारण से आंखों में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। रिसेंटली अभी मंजू जो कि 30 साल की हैदराबाद में रहने वाली लड़की है, सफर्ड फ्रॉम ब्लाइंडनेस फॉर 18 मंथ्स आफ्टर शी स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन हर मोबाइल फोन इन द डार्क। हमारी एक आदत होती है, जब भी हम सोने जाते हैं लाइट्स ऑफ करने के बाद हम फोन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। सेम यही कंडीशन मंजू के साथ थी। रिसेंटली उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी थी तो जो फोन का इस्तेमाल है वो एक्सेसिव हो गया था, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। जब उन्होंने फोन का इस्तेमाल एक्सेसिव किया और ज्यादा होने लग गया तो उन्हें सिम्टम्स आने लगे, जैसे उन्हें आंखों के सामने फ्लूटर्स दिखने लगा और जिगजैग लाइन दिखती थी और कभी कभी तो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लाइंडनेस हो जाता, कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती थी, कुछ नहीं दिखता था, ऐसा कहना था उनके डॉक्टर्स का। ये जो स्मार्टफोन गैजेट्स और इन सब से रिलेटेड जो बीमारियां उसको हम स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम या डिजिटल विजन सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहते हैं। मंजू जो थी वो खुशकिस्मत थी कि टाइम रहते उनका ट्रीटमेंट हो गया और उनकी जो आईसाइट है वो वापस आ गई। लेकिन ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन के साथ टाइमिंग है वो भी बढ़ता जा रहा है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे मन में आएंगी, हमारे फोन में तो रेटिना डिस्प्ले है, हमारा फोन तो ट्रू डिस्प्ले का है, सुपर एमोलेड है, तो क्या ये हमारी आंखों में प्रॉब्लम नहीं देगी? तो इसके बारे में भी समझते हैं। जो भी आपने रेजोल्यूशन देखा है, ये सब जो डिस्प्ले होते हैं ये इनमें जो पिक्चर की क्वालिटी होती है और जो पिक्सल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिस्प होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब हम 144p में कोई फोटो देखेंगे या फिर 8k में देखेंगे तो उसकी जो रेजोल्यूशन है बहुत अच्छी होती है, बहुत क्रिस्प होती है, तो हमारी आंखों को उसको स्ट्रेन नहीं करना पड़ता उसको देखने के लिए, मतलब ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, वो आराम से हमें देखने मिलेंगे। तो ये फायदा होता है 6 पिक्सल्स का। लेकिन क्या हमें आंखों को प्रॉब्लम दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। अगर आप कंटिन्यू मोबाइल फोन इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रेटिना डिस्प्ले हो, चाहे टू टोन हो, चाहे कोई सी भी क्वालिटी का हो, अगर आपका जो फोन टू आई कॉन्टेक्ट है बहुत ज्यादा है तो फिर वो लॉन्ग टाइम में आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। इसके लिए डॉक्टर्स ने 20-20-20 रूल निकाला है। 20 मिनट्स के लिए 20 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए और 20 फीट दूर से चीज देखिए। अब इसमें कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर में है, जिनको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहली बात, बच्चे। आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही अर्ली एज में बच्चों को स्मार्टफोन से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब इसके भी अपने कारण होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, इसलिए माँ बाप फोन के थ्रू उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। लेकिन इससे होता क्या है, अर्ली एज में फोन का जब इंट्रोडक्शन हो जाता है बच्चों के साथ तो उनका जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे केस में लिया जाए तो जो मुझे फोन मिला था वो 10th या 12th के आसपास मिला था, तो मैं जब इतना छोटा था तब इतना ज्यादा फोन का यूजेज नहीं था हमारी आंखों में। लेकिन आजकल के बच्चों में ये बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत ज्यादा दिनों तक रहता है, इस कारण से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरा उनको हो सकती है जो ओवरनाइट काम करते हैं, जो लॉन्ग आवर की शिफ्ट में काम करते हैं और छोटा सा ब्रेक नहीं लेते, तो उनको ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। अब इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो फोन का यूजेज है इसको कोशिश करिए थोड़ा कम हो और फ्रीक्वेंटली ब्रेक लेते रहिए, जैसे वो 20-20 रूल है उसके हिसाब से करेंगे तो बेटर होगा। दूसरा, न्यूट्रिशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक चीज है। न्यूट्रिशन आपका अगर प्रॉपर होगा तो आपकी बॉडी किसी भी स्ट्रेस को ओवरकम करेगी और अपने आप को हेल्दी रखने की पूरी पूरी कोशिश कर पाएगी।